जुम्मा मुबारक एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुम्मा मुबारक सबको। सबने नमाज़ पढ़ ली, आई होप सब ने जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली। मुंबई में तो इतनी बारिश हो रही है, देखो मैं पूरी भीग गई, इतनी बारिश हो रही है मुंबई में। दोस्तों मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ना अपना। आई जस्ट वॉन्ट टू से वेरी बैड न्यूज़। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी अप फ्रंट, जो दिल में है वो मुंह पे है। मेरे झूठे रिएक्शन नहीं होते, मैं जैसी हूँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ पहले से ही। मुझे रिलीजन के बारे में मत पूछो गाइस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। आदिल खान दुरानी ने जब वो थे तब से मेरा आई क्लाउड आईफोन पासवर्ड अपने पास रख लिए थे, और मेरे पुराने पुराने वीडियो निकाल कर उन लोगों को दिखा रहे हैं। मैं ज़रूरी नहीं है, मैं कोई नीचे जो लिख रहे हैं ना, बिना ड्रामा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिना ड्रामा, मैं बॉलीवुड में हूँ, मेरे हाव भाव बोलना चालना मेरा ऐसा ही है। तब जाके मुझे बार बार सारे शोज ऑफर होते हैं, तब जाके बार बार मुझे बुलाया जाता है काम करने के लिए। सो गाइज मैं पैदा हुई हूँ बॉलीवुड के लिए, जीऊंगी बॉलीवुड में, मरूंगी बॉलीवुड में, बॉलीवुड में हूँ इसलिए लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं। मेरे इस नेचर के कारण कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इमोशनल हूँ, जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, उसने मेरे सारे, मैं अभी साइबर क्राइम से ही आ रही हूँ, आदिल खान दुरानी के ऊपर मेरे 4-5 केस बनते हैं अभी। अभी साइबर क्राइम ने मेरा पासवर्ड चेंज किया है, मिरर, क्या बोलते हैं, मिरर, मुझे, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन उतना नहीं हुआ। माँ, मेरी माँ चली गई, माँ मैंने, तूने मुझे इतना क्यों नहीं पढ़ाया माँ। इस दुनिया में इतना पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है, मुझे पता भी नहीं चला मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी ने कब वो मेरे मिरर इमेज से मेरा डाटा चोरी कर लिया। मैं जिस जिस व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात करती थी सालों से, एक साल से या डेढ़ साल से, उसने पूरा डाटा, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी ये पूरा डाटा उसके पास जाएगा, और मैं व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रही हूँ तो मेरा पूरा डाटा उसके पास जाएगा, मेरे फ़ोन का, मेरे सारे आई क्लाउड आईफोन सारा डाटा वो ले लेता है। आदिल खान, मैं तो तुम्हें इतना ही कहती हूँ कि तुम दुनिया को उल्लू बना सकते हो, परमेश्वर खुदा को नहीं। तुम्हारे खानदान में से आज तक कोई भी उम्रा नहीं गया। मैं सच्ची थी, अच्छी थी, लॉयल थी, भर भर के पैसे उड़ा दिए तुम पर, मैंने भर भर के पैसे उड़ा दिए तुम पर। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा जस्टिस दे सकता है, कोई और नहीं। लोग कहते हैं अरे वो तो मरने के बाद, नहीं, मेरा खुदा जिंदा है और साक्षात है इसी जीवन में,
इसी जिंदा रहते हुए, इसी समाज के सामने न्याय मुझे मिलेगा। जेल में आप गए 6 महीने, मैं नहीं, तो आप सोचो क्या आपके पापों का घड़ा भर चुका है। मैं खुदा से अभी नमाज पढ़ के आई हूँ जुम्मे की, मैं यही कहती हूँ मुझे क्यों चुना गया इस आदमी का भांडा फोड़ने के लिए, मुझे क्यों चुना गया। तब पता, तब सब कहते कि तुम ही बोल्ड हो। दूसरी लड़कियों को तो इसने न्यूड वीडियो बना बना के ब्लैकमेल कर कर के तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, ब्लैकमेल कर कर के, उनके साथ सेक्स कर कर के। मेरा क्यों चुना हुआ, मेरी ही जिंदगी क्यों बर्बाद ही था इस आदमी के हाथों से। आज दिल खान दुरानी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, तुमने कर दी है। तुम भी आबाद नहीं रहोगे। मेरे पास सारे चेक्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे, जो मुझे अगले महीने मिलेंगे, मेरे भाई अनस भाई के पास है। कितना लोगों को झूठ बोलोगे? अरे तुम वही हो ना, 10 बार कुरान पे हाथ रख के कसम खाए हो, फिर से वही गुनाह किए हो। अरे तुम कसमें, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। कहते ना कि तूने अल्लाह को धोखा दिया, तूने खुदा को धोखा दिया, खुदा का झूठा कसम खाया। तो मैं कौन हूं रे, मैं तो एक मिट्टी हूं, मैं तो एक मिट्टी हूं। एक्सक्यूज मी, आज मेरी जिंदगी में तेरे कारण सारे रिश्ते टूट गए। तूने जो कहा था वो सच हुआ कि मैं तुझे मीडिया में, दुनिया में ऐसा पागल साबित कर दूंगा, जो तूने कर दिया। तूने कहा था कि तेरा जिंदगी में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। मैं ऐसी मीडिया में जाके सारी चीजें करूंगा, जब मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा तो तेरा तेरा पकड़ लेगा तो, क्योंकि झूठा है तू, एक नंबर का। लेकिन उस लड़की को, उन लोगों को कहूंगी, आदिल खान दुर्रानी के बारे में पहले गूगल सर्च करो, उसके बाद ये देख बाल, तूने मुझे इतना स्ट्रेस दिया, देख मेरे बाल, ये देख, तेरे कारण मेरे बाल चले गए आदिल, मेरे बाल इतने सुंदर हुआ करते थे, देख देख आदिल खान दुर्रानी, तूने मेरी क्या हालत कर दी। मैंने इसलिए तुझसे शादी करी थी, घर बसाने के लिए शादी करी थी आदिल, एक लॉयल बीवी थी आदिल, तूने कपड़ा लत्ता, ऐशो आराम, बॉलीवुड सब मांगा, बिजनेस में पैसा मांगा वो भी दे दिया। आदिल थोड़ा रहम कर, आदिल थोड़ा इंसान बन रहा, आदिल तेरी बीवी रह चुकी हूं, थोड़ा रहम कर आदिल, तेरे भी बेटियां होंगी कभी जीवन में, तेरे बच्चे होंगे आदिल, इतना मेरा श्राप मत ले बिना माँ बाप की बेटी का आदिल। बचपन से अभी तक सिवा दुख के मुझे कभी कुछ नहीं मिला। मैं क्यों गरीब खानदान में पैदा हुई, क्यों मेरे माता पिता इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सके। आज इतना एजुकेशन मेरे पास होता
तो शायद मुझे पता चलता कि मेरा हस्बैंड आदिल मेरे फोन से आई क्लाउड से सारे मेरे वीडियो निकाल रहा है, मिरर इमेज अपने फोन पे रख रहा है व्हाट्सएप का। एक्सक्यूज मी ब्रदर, कैन यू स्टार्ट दिस? आई एम टेलिंग यू 10 times। माँ क्यों मुझे जन्म दिया, क्यों मुझे जन्म दिया इतना दर्द सहने के लिए। इतना दर्द सहने के लिए माँ, तेरी बेटी को कोई भी आता है सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाता है। ए खुदा, जो मेरे साथ हुआ कभी किसी लड़की के साथ ना हो। इस दुनिया में जितने भी सच्चे हो, सच्चाई से अपनी बात कहो, अपनी बात रखो। ड्रामा नाटक कहा जाता है, क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूँ। इस दुनिया में लड़की की आवाज़ को कोई नहीं उठाता। मैं बॉलीवुड में हूँ लेकिन मैं एक महिला हूँ। सारे सबूत आपके पास रखे हैं। आदिल खान दुरानी, तुमने कौन सी पीआर कंपनी को हायर किया है? यूट्यूब से लेकर हर जगह तुमने तुम्हारे बंदों को बिठा रखा है कमेंट के लिए, मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट के लिए। कर लो आदिल, मुझे रास्ते पे ला दो, मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, सब कुछ कर दो। आदिल जो तुमने किया है तुम नहीं बच पाओगे, अल्लाह की कसम है। या अल्लाह, अगर मैंने दिल से उमरा किया है, अगर मैं दिल से नमाज आपके पढ़ती हूँ, अगर मुझे आपका खौफ है, मैं किसी के लिए नहीं मांगती। आदिल खान दुराना जो मेरा शौहर है, इसका पर्दाफाश पूरी दुनिया में करो, इसकी सच्चाई लाओ, इसकी सच्चाई लाओ। खुदा, कोई अल्लाह का बंदा, कोई ईश्वर का बेटा बेटी है यहां इस दुनिया में? दोस्तों, बहुत टाइम पहले मेरी रितेश से बात हो रही थी, जो मेरे एक्स थे, जो कि मेरे लिए एक भगवान का रूप थे। दिल से कहती हूँ भगवान का रूप, इसलिए 4 बार माँ का सर्जरी कराया उसने पैसा से। मेरी माँ की सारी जिंदगी हॉस्पिटल में गई है, मैं कमाते कमाते थक गई थी। एक अकेली ईमानदारी से कितना कमा सकती है? खुद को संभाले, भाई बहन को संभाले, उनके बच्चों को संभाले, खुद का मेंटेनेंस संभाले, कि माँ के हॉस्पिटल के पैसे संभाले लॉकडाउन में। रितेश एक खुदा बन के मेरी जिंदगी में आया, उसने बहुत मदद किया मुझे, पैसों से बहुत मदद किया। मेरी माँ के ऑपरेशन इतने कराए उसने। तो रितेश और मैं बहुत क्लोज हो गए, अच्छे दोस्त। फिर बिग बॉस में गए, उसके बाद मैं और रितेश अलग हो गए, हमारा नहीं जमा। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने, मेरी जिंदगी में जो होता है कभी कुछ छुपता नहीं है दोस्तों। शायद रितेश की जिंदगी में कोई दोस्त या रोजा नाम की लड़की आई, तो कोई फिरंगी है वहां की रोजा। आदिल ने गंदा सा वीडियो, एक हैकर आदिल मेरे फोन में से हैक किया,
और वो दिखा रहा है इतना अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना झूठ बोल रहा है कि रोजा के टाइम पे ये गंदी बातें करती है। मैंने मेरे दो रोजा छोड़ के मैंने पूरे रोजे किए हैं, पूरे रोजे। मैंने दो रोजे किए। वो जो वीडियो आदिल बार बार दिखा रहा है, जब जहां मेरी और रितेश के मजाक में कुछ बातें चल रही होगी और कह रहा उसका बॉयफ्रेंड है। रितेश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारी मजाक की बहुत पुरानी वीडियो है, बात चल रही होगी। वो दिखा रहा है गंदगी करके। रोजा जो है वो रितेश की गर्लफ्रेंड का नाम था। रितेश मेरे ब्रॉड पे हैं और कहते कि मैं ये कितना घटिया वीडियो है करके। रितेश मैंने आपको भेजा है, रितेश मैंने आपको भेजा है रितेश वो वीडियो। मेरी आबरू को, मेरी इज्जत, 20 साल से कमाई हुई इज्जत को, आबरू को नीलाम कर रहा है आदिल खान दुरानी, क्योंकि मैं इमोशनल हूं, मेरे आंसू तुरंत आ जाते हैं। जिसके दिल में दर्द होता है उसके आंसू जल्दी आ जाते हैं। आज मेरे आंसू के साथ साथ बादल भी रो रहा है मेरी तकलीफ के साथ साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आदिल तुमने, ना दोबारा प्यार करने के लायक रखा, ना शादी करने के लायक रखा तुमने। मेरे पूरा मेरा फोन हैक कर लिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्त। पता नहीं अब ये कौन सी और वीडियो वायरल करेगा। मैं साइबर में जाके अभी कंप्लेंट लिखवा के आई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ शैली बहन राजा राम भैया का और आदिल के बस बचपन के दोस्त का। आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे, अकेली पड़ गई थी मैं। आप लोग आए मुझे सपोर्ट करने। औरत रोती है तो वो ड्रामा नहीं होता है। औरत को अल्लाह ने, खुदा ने नाजुक बनाया, कोमल बनाया है, इमोशनल बनाया है। या अल्लाह जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैंने तेरी नमाज पढ़ी है जुम्मे की। या अल्लाह परवरदिगारा आज जो मेरा मजाक उड़ाते हैं उन सबको मैं आपके हाथों में देखती हूँ। इनका न्याय आप करो। जो मेरी तोहीन करते हैं, जो मुझे बेइज्जत करते हैं, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी मेरा उम्रा करा के, जो मुझे बेइज्जत करते हैं उन सबको मैं आपके हाथों में देखती हूँ। क्योंकि रिवेंज लेना मेरा काम नहीं, मैं मीडिया में इसलिए आई खुदा, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं मीडिया वाले न्याय दे देंगे मुझे, कहीं ना कहीं मैं एक लड़की और लड़कियों को बर्बाद होने से बचा लूं आदिल से, और लोगों की चोरी होने से बचा लूं आदिल से, जो ये सबको मीठा बन के ठगता है। सबको बर्बाद करता है। मुझे ही चुनना था। मैं मानती हूं मैं बोल्ड हूं, मैं अपफ्रंट हूं, बिंदास हूं। मेरा इस्तेमाल क्यों? मैं जो, मुझे तो एक जिंदगी जीने देते खुदा, मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है।
और शादी करने का, बच्चे करने का उतना वक्त भी नहीं है मेरे पास। मेरा इम्तिहान क्यों खुदा? एक ही बात मैं जानती हूँ, जिन पर जो लोग हंसते हैं उन्हीं के घर बसते हैं। जितना तुम में ताकत है ना, हंस लो मुझ पर। जितना तुम लोगों में ताकत है ना, कर लो मेरी बुराई। आदिल तुझ में जितनी ताकत है ना, कर ले मेरा मुझे बर्बाद कर। तुझ में जितनी ताकत है ना, झूठे बयान दे। तुझ में जितनी ताकत है ना आदिल, सबको, पूरी दुनिया एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी आदिल। एक दिन तुझे खुदा के सामने झुकना होगा, क्योंकि तू झूठा है। तूने मेरा पैसा ले लिया, मुझसे झूठी शादी की, क्या बिगाड़ा था यार मैंने तेरा? तुझे सच्चा प्यार किया मैंने, लॉयल बीवी रही यार। मेरा इस्तेमाल क्यों किया आदिल? मेरा इस्तेमाल क्यों किया आदिल? खुदा करे तेरी बेटी हो, खुदा करे जो तूने मेरे साथ किया तेरी बेटी के साथ हो। कर्मा, 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 खुदा करे तू ऐसी लड़की से शादी कर जिसे तू चाहे। खुदा करे तू उसके लिए लॉयल तो तू कभी नहीं रहेगा। तुझे हर जगह मुंह मारने की आदत है, 20 दिन से ज्यादा तेरे पास कोई लड़की टिक नहीं सकती। खुदा करे जो तूने मेरे साथ किया वो तेरे साथ हो। आज तूने मुझे गिरा दिया है, पता नहीं कब उठूंगी मैं। रात रात भर सोती तक नहीं, मेरे बाल भी चले गए। से मेरा यही कसूर कि तुझसे प्यार किया, तुझ पे विश्वास किया, तुझ पे विश्वास किया, तुझे पैसा दिया, मेरा पूरा पैसा तूने जेवर बेच के, मेरा इंश्योरेंस सब कुछ तुझे दिया। सिर्फ तुझ पे विश्वास किया, एक सच्ची बीवी होने का, लॉयल बीवी होने का, सच्चा प्यार करने का, अपना धर्म परिवर्तन किया तेरे लिए। इसका नतीजा मुझे ये मिला है। मैं, मुझे मेरे हिंदुस्तान के लॉ पर विश्वास है, उससे भी ज्यादा ऊपर वाले की लाठी पर है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि मैं सच्ची हूं, मैं सच्ची हूं। मुझे सबसे ज्यादा ऊपर वाले पर विश्वास है, क्योंकि मैं सच्ची हूं। हाँ, जो हंसते हैं ना, हंस लो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा ना, शायद तुम मुझ पर हंसोगे नहीं। सब हंस लो मुझ पर, हंस लो सब मुझ पर। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी के साथ शायद ऐसा होगा तो तुम हंसोगे नहीं।
दोस्तों ने धोखा दिया, पति ने धोखा दिया, तकदीर ने धोखा दिया। मैंने तुम्हें सच्चा चाहा था, सच्चा प्यार किया था आदिल, तुमने मुझे धोखा दिया आदिल। मेरे न्यूड वीडियो बना, दूसरों के फोन से वायरल करते, मेरा फोन हैक करके मेरे इमेज रखकर मेरा व्हाट्सएप के ऑडियो, मेरे जितने भी वीडियो सब तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? साइबर क्राइम पूरा इंक्वायरी कर रहा है, तुमको कौन दे रहा है मेरे पर्सनल वीडियो, मेरे पर्सनल टॉक्स, तुम सब हैक करके। करो, इतने केस हो जाएंगे तुम्हारे पे आदिल। एक औरत, खुद की औरत को अल्लाह के सामने सुख दुख में साथ निभाने का वादा करने वाले, मैंने तुम्हारे दुख में साथ निभाया तुम्हारा, तुमको मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया। सारी मेरी पूंजी, सारी जिंदगी भर की पूंजी तुम पर निछावर कर दी। तुम BMW मर्सिडीज में घूमते हो, मैं ऑटो में घूमती हूँ तुम्हारे कारण। मैं मेरा विश्वास और होप गया नहीं है, मैं खुदा पर बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा, मेरा वो ही आसरा है। दुनिया को जो कहना है कहे मेरे लिए। यहाँ पे माता सीता के लिए भी लोग क्या क्या बोलते थे, लेकिन वो एक पवित्र थी, बाद में सब पछताए, बट डजंट मैटर। बचपन से ही मैंने दुख सहा है, बचपन से ही मुझे कभी कोई भी गॉडफादर नहीं मिला। तुमने मेरा इस्तेमाल किया बॉलीवुड के लिए, सीढ़ी बन के मुझे सीढ़ी बनाया। कर्मा है आदिल खान दुरानी, कर्मा है। इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने मुझे सताया है सब पछताए हैं लाइफ में, क्योंकि मेरा विश्वास खुदा पर है और हमेशा रहेगा। मैं इमोशनल हूँ, बेबाक हूँ, अपफ्रंट हूँ, लोगों को ड्रामा लगता है, लेकिन मेरे यहाँ का दर्द मेरे मुंह पे, मेरी आवाज में आ जाता है। जो धर्म तुम मुझे देकर गए हो उसको मैं ईमानदारी से निभा रही हूँ। यही करते हो तुम, लड़कियों को पकड़ते हो धर्म चेंज कराते हो, लड़कियों को पकड़ते हो प्यार में डालते हो धर्म चेंज कराते हो। करो तुम जितना तुम्हें मेरे लिए करना है करो, तुम्हारे पोल तो सारे खुल रहे आदिल खान दुरानी। तुम कितना खुद को झूठा साबित करोगे, तुम कितने मेरे वीडियो, तुम्हारी बात को दबा के मेरे वीडियो को पेश करोगे। राखी ऐसी और राखी वैसी, राखी की तो कहानी तो ट्रांसपेरेंट है दुनिया के सामने। एक्स हस्बैंड है तो है, तुम्हारा पाप दबा रहे हो मेरे वीडियो दिखा के लोगों को।
उसी के कुत्ते मेरी ब्रोड पे बैठ के हंस रहे हैं। उनको मजा आता है ना, लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनको मजा आता है। याद रखना, जबरदस्ती प्यार में डाल के धर्म परिवर्तन कराना भी एक गुनाह है। लड़की अपना धर्म परिवर्तन तब करती है अपना शोहर है। उसके साथ जिंदगी जीने के लिए एक को पकड़ दूसरे को छोड़, एक को पकड़ दूसरे को छोड़, इसीलिए नहीं हो करती है। तुम लोगों ने मुझे आदिल तुम्हारा पूरा गिरोह है, सब जानती हूं। ऐसे लड़कियों को पकड़ के, हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते हो प्यार में डाल के। बट खुदा है, खुदा है, खुदा सब देख रहे। सबर राखी सबर, खुदा ने कहा है सबर राखी सबर, सबर कर राखी सबर कर। जिसका कोई नहीं उसका सिर्फ खुदा है। किसी कोर्ट में मैं सच्ची साबित ना हूं, दुनिया में मैं सच्ची साबित ना हूं, खुदा के कोर्ट में मैं सच्ची। वक्त बताएगा। वक्त चलिए। थैंक यू शैली। बचपन से दुख को उठाई हुई लड़की, न किसी का प्यार मिला, सारी जिंदगी बॉलीवुड में स्ट्रगल करती रही, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, पति के लिए। आज तुमने मुझे लूट लिया चारों तरफ से, मेरे पैसों पर अय्याशी कर रहे हो, मेरे पैसों की गाड़ियों पर घूम रहे हो, दिन रात मेहनत कर घर के नाच नाच के मेरे पैर छिल गए। दुबई के बियर बारों में पैसे उड़ाए मेरे, 200-200 में लड़कियों, दुबई से लड़कियां प्रोस्टिट्यूट ली तुमने, फिरंगी लड़कियां 200-200 दिरहम में मेरे पेट पीछे। मेरे पास इतने रेप, इतने प्रोस्टिट्यूशन के, इतने सब कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं, बहुत जल्द मैं उसको अपने इंस्टा पे डालूंगी, बहुत जल्द। मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया, डजंट मैटर तुम प्रोस्टिट्यूट के पास जाए, चलो जाने दो, सुबह का बोला शाम को आता, तुम्हारे ऑडियो भी है मेरे पास, वीडियो भी है। सब डालूंगी। और तुमने मेरे फोन हैक करके बहुत सारी चीजें डिलीट भी कर दी है तुमने आदिल, तुमने डिलीट कर दिए तुम्हारे सारे प्रूफ मेरे फोन से डिलीट कर दिए तुमने, मेरा फोन हैक करके आई क्लाउड से। Bye everyone. Every day I'm crying like this. Day night. He did very wrong. मैं बॉलीवुड में हूँ,
वो सुमड़ी में इंटरव्यू देता है, मैं थोड़ा लाउड हो जाती हूँ, वो मेरा ऐसी मेरे नेचर में है। ठीक है, इट्स ओके। वक्त सब कुछ बताएगा, वक्त सब कुछ बताएगा। थैंक यू शैली दीदी, आपको मैं जितना भी चरण स्पर्श करूँ कम है। राजा भैया, शैली दीदी, आदिल के फ्रेंड्स फ्रॉम मैसूर, एवरीवन, आप लोग आए मुझे अकेले को जान के। इसकी सच्चाइयां बताई कि 12-12 केस है इसके पर, क्रिमिनल केसेस 420 के, रेप के। जो तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ दोस्तों, ये मेरे लिए नया नहीं है। बचपन से मैंने ऐसी जिंदगी में स्ट्रगल किया है, एंड में मैंने सोचा था कि अपना घर बसा लूं। घुटने पर बैठ के इसने मुझसे कहा था मैरी मी, घुटने पर बैठ के। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना फ्रेमिंग कर रहे हो, मेरे इमोशन से, मेरे नेम से खेल रहे हो आदिल। पता नहीं था आदिल, पता नहीं था आदिल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। या अल्लाह, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन शुक्रगुजार हूं कि मेरे कारण किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। मुझे तो इसने खत्म कर दिया, पैसों से, इमोशन से, विश्वास से, करियर से, इमेज से। मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, डजंट मैटर। लेकिन मेरे बर्बाद होने से किसी और की तो जिंदगी बच गई, कुछ और लड़कियां तो बच गई कम से कम इसके पंजे से। पर वो लोग जिसे ये पैसे चुना लगा लगा के, पैसे छिनता है आदिल, खत्म तेरा ड्रामा, खत्म आदिल, खत्म तेरा ड्रामा, तेरा झूठ, लोगों को फंसाना, खत्म आदिल, खत्म। मरते दम तक मैं ऐसी चिकते चिल्लाती रहूंगी, खुदा के सामने हाथ फैलाऊंगी कि तुझे तेरे कर्मों की सजा मिले। तेरी भी एक बेटी हो, तुझे वो वक्त देखना पड़े। तूने किसी की बेटी बहन के साथ किया? कोई नहीं है आज मेरे साथ, बट कोई है ऊपर वाला। आज मेरी सच्चाई को कोई नहीं मान रहा। Doesn't matter। अच्छा है ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने आदिल। दुनिया के सामने तुम्हारे भी चिथड़े बाहर आ गए। ये दुनिया वाले एक चीज सोचते नहीं है, एक आदमी बार बार अपना कैमरा ऑन करके अपना पिछवाड़ा दिखा रहा है।
आदिल खान दुरानी क्या साबित करना चाहता है? उसने इतने वीडियो बनाए खुद के पिछवाड़ा दिखाने के, खुद के न्यूड वीडियो, मेरे न्यूड वीडियो, ऐसी कैसी परवरिश है तुम्हारी आदिल? तुम्हारे माँ बाप ने कैसे तुम्हारी ऐसी परवरिश करी? तुमने ही कहा था ना, मेरे माँ बाप ने मुझे बोला है मैसूर से, घर का पैसा बाहर मत लगाना, लड़कियों को लूट के लाना और बाहर से पैसा घर में लाना। I'm strong enough. And तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। देश की जनता है ना ऐसे तराजू की तरह है, आज तुम्हारी तरफ है कल मेरी तरफ होगी, कभी मेरी तरफ है कल तुम्हारी तरफ। लेकिन देश की जनता सच्ची है, उस सब सच को सच और झूठ को झूठ जानती है। आदिल तुम जितने भी मेरे तुम्हारे तुम्हारे पाप दबाने के लिए मेरे कितने भी वीडियो दिखा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने ही तुम्हारे नाम पे केसेस होंगे। शैली दीदी आपको मैं लूं क्या? शैली दीदी आपको मैं, कितने दिनों से रो रही हूँ दीदी, रो मत राखी, इमोशनल हूँ दीदी, मैं क्या करूँ? मत रो, देखते ड्रामा लगते, तू मत रो, कोई बात नहीं, तू हक की लड़ाई लड़ रही है ना, जीत होगी, मत रो बेटा, रोने से क्या होगा राखी, तू तो स्ट्रांग है, तू तो मिसाल है हम सबके लिए कि तू बहुत स्ट्रांग है। मेरे पास अब दूसरी लाइफ भी नहीं है दीदी जीने के लिए, बोल ऐसा मत बोल, एक लाइफ रो और दूसरी लाइफ में हंसो। तुझे नया जन्म मिला है पागल, तुझे नया जन्म मिला है, तू कैसे बोल सकती है कि तेरे पास रहने के लिए नहीं है? तुझे तो ऊपर वाले ने नया नया जन्म दिया है, तू क्यों ऐसा सोचती है बहन? मत सोच, तू अच्छा कर रही है, तू अच्छा कर्म कर रही है, तू अपने बलबूते पे आज तक है, तो आज तुझे किसकी जरूरत पड़ी है? तूने तो लाखों की जिंदगी बनाई है, तू तो उनमें से है कि जिसने लाखों की जिंदगी बनाई है, तेरी वजह से तो लाखों लोगों की, अब मैं क्या बोलना चाहूँ कि तूने किसको सर पे बिठाया नहीं, किसको प्यार नहीं किया राखी, इसीलिए तो ऊपर वाले ने तुझे अपने घर बुला लिया। इससे बड़ा तोहफा तुझे कुछ मिल सकता है क्या पागल? तुझे किसका सर्टिफिकेट चाहिए? उसने दे दिया तुझे सर्टिफिकेट, बुला लिया तुझे अपने पास, उसने बुलाया, उससे ऊपर वाले से बढ़ के कोई सर्टिफिकेशन देने वाला इस दुनिया में पैदा हुआ है क्या? कोई नहीं। तो रोती तो सर्टिफिकेट उसने दे दिया ना तुझे, वहां बुला के तुझे इतनी इज्जत बख्श के, तेरे पर अपना हाथ रख के तुझे एक नया जन्म दे के, पागल कैसी बातें कर रही है? नया जन्म तुझे ऊपर वाले ने दिया है, रो मत, रोने की कोई जरूरत नहीं है, तू बहुत स्ट्रांग है, अगर तू गलत होती तो ऊपर वाला तुझे बुलाता नहीं राखी, वो तेरे दरबार अपने दरबार में तेरी एंट्री नहीं करवाता राखी। उसको पता है तू सच्ची है, उसने दिया है सर्टिफिकेट, तुझे लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है बहन। अगर उसके घर में तू चोर होती और तेरे दिल में खोट होता तो वो भी तुझे नहीं बुलाता, तुझे नया जन्म दिया है उसने, एक शुरुआत नए से कर, तू तो टैलेंटेड है पागल, तो तू तो टैलेंट से भरी हुई है, तेरे को क्या चाहिए किसी का? हाँ दीदी, लेकिन दीदी फिर लेकिन
यकीन बोल रही है पागल, खुद ही बोल रही है, देख पर अभी तेरे साथ ये सब हो गया, यकीन नहीं हो रहा। तेरा नया जन्म हुआ है, नया जन्म, मैंने सारी जिंदगी सबको हंसाया, तेरे सारी जिंदगी सबको हंसाया, एंटरटेन किया दीदी, इसीलिए बोल रही हूँ तेरे को कि मत रो। उसने जब तेरा सर पे हाथ रख दिया तो तुझे डरने की क्या बात है? जिस जो सारी दुनिया इबादत जिसकी इतने दिन करती है फिर भी बुलावा बड़ी मुश्किल से आता है राखी, उसने तेरे सर पे हाथ रख लिया, तुझे पकड़ के अपने पास बुला लिया। अब इससे ऊपर वाले से तेरे को ये जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो यकीन नहीं कर रहे हैं, वो उनसे बड़ा सर्टिफिकेट रखते हैं क्या? नहीं नहीं उनसे मुझे बढ़कर है क्या? नहीं, सच्चे इंसानों के साथ हमेशा बुरा होता है, मुझे ये मैंने देखा है। तभी तो ऊपर वाला उनको सपोर्ट भी करता है जो तुझे मिला है राखी, तुझे मिला है तो क्यों, किस बात का तुझे, तू तुझे पता है, तेरे ऊपर वाले को पता है, तू क्यों सफाई देती है? जीत भी तेरी हुई, वो गया अंदर, जीत तेरी हुई, ऊपर वाले ने तुझे जिताया, उसके बोल देने से या कुछ कर देने से वो कुछ सबूत तो नहीं इकट्ठा कर पाया अभी तक, तुझे तो तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो सिर्फ बोल सकता है, ऊपर वाला तो तेरे साथ खड़ा है बहन। बी स्ट्रांग माई लव, तू इंस्पिरेशन है लाखों करोड़ों लड़कियों की, लाखों करोड़ों लड़कियों की जो आगे आई बर्बाद करी। हमारे सामने सारी लड़कियों के फोन आ रहे, फोटोज वीडियो सब आ रहे, बताओ। इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ तुझे, तू जो भी, तू एक बात बोलू, जो लोग तुझे गंदा लिख रहे ना उनको भी धन्यवाद कर, क्योंकि वो नादान है, उनको पता नहीं है बेटा, उनको नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि जब ऊपर वाले ने ही बोल दिया कि ये बच्ची सच्ची है तो इन लोगों को बोलने देना, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? उनको भी धन्यवाद जो गालियां दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद जो प्यार कर रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन जो गालियां दे रहे हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऊपर वाले ने तेरा साथ दिया है, ऊपर वाले ने तुझे प्यार किया है, ऊपर वाले ने तुझे सपोर्ट किया है, उसको तब भी सजा मिली थी, अब भी सजा मिलेगी, बस इंतजार कर, अपने आंसू मत बहा। उसके खुदा ने, अल्लाह ने कहा है सबर, मैं सबर करूंगी दीदी, मैं इंतजार करूंगी। मैं वही बोल रही हूँ कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है राखी, उसका इंतजार कर, का इंतजार कर, इस बात का भी पुष्टि होएगी कि तू ही सही है, आज बोलने दे, थोड़े दिन इसकी भी पुष्टि होएगी। रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहना है, तुझे एंटरटेन करना है, वही जिंदा दिल वाली हमारी राखी जो हंसाती है उसको हमें हंसते हुए देख के अच्छा लगता है, रोते हुए नहीं। थोड़े दिन का इंतजार है, फिर से सभी सामने आ जाएगा, रो मत, रो के क्यों कमजोर बनती है बहन? आप जानते हो ना मैं इमोशनल हूँ, मत होना, इमोशनल लोगों का मजाक उड़ाया जाता है बेबी, तू गलत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ड्रामा नहीं है, तुझे पता है ना बच्चे, तेरी आंख में आंसू है, तू ही जानती है, तेरा दर्द दूसरे नहीं समझ सकते हैं, और तू उस पे ऊपर वाले पे विश्वास रख, जिसने उसको उस दिन सजा दी थी वो उसको कल भी सजा देगा, थोड़ा सा इंतजार तो रख, उसके भरोसा। मैंने दीदी मैंने सोचा था, आपको पता, मैंने कहा था आपको कि दीदी 6 महीने के बाद छूट के आएगा, मैं इसको माफ कर दूंगी और मैं कहूंगी जाओ अपनी जिंदगी अच्छी जी लो, जाओ, खुदा ने उसको सजा दे दी है, जीते जी मुझे न्याय मिल गया करके, लेकिन आने के बाद वो गंदगी कर रहा है, रिवेंज कर रहा है, झूठा झूठा गंदगी, रिवेंज। कोई बात नहीं राखी, कोई बात नहीं, उसे उसका काम करने दे, ऊपर वाला अपना काम करेगा। है ना, उस पे भरोसा रख, स्माइल कर, जीत तेरी होगी, तू तो अल्लाह की बंदी है, तू तो
जीजस में बिलीव करती है, अल्लाह में बिलीव करती है, ऊपर वाले में बिलीव करती है, तू क्यों रोती है? तेरे पीछे तो वो खड़े हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग बुरा बोल रहे हैं, वो ऊपर वाले से बढ़ के नहीं है मेरी जान। उस पे रख भरोसा, जरूर मिलेगा इंसाफ, टेंशन मत ले। सारी दुनिया जानती है कि तूने उसे दिल से प्यार किया है, नो प्रॉब्लम, तेरा दिल जानता है। पीछे मुड़ के वो लोग देख सकते हैं कि तूने उसको किस तरीके से सराहना की है ना। स्टे स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी हारना नहीं है राखी, इस ये दुनिया तो ऐसी ही है बहन। दीदी आपके सामने है, उसने कैसा मेरा इस्तेमाल किया। दीदी आपको कैसा बोला उसने, मुझसे शादी करने से पहले आपको क्या बोला था, बोलो दीदी। वही बोला था उसने कि नहीं छोड़ेगा, इसके पास पैसा है, बन जाएगा बड़ा। बना बड़ा, चल वो बड़ा बना, नहीं बना ना। थोड़ी बहुत पब्लिसिटी पा रहा है, उसको लगता है कि वो मेरा इस्तेमाल करके, मेरी जिंदगी बर्बाद करके बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। उसे लगता है मेरा पैसा तो ले लिया, कोई बात नहीं, तू तो फिर कमा लेगी पागल, तू तो फिर कमा लेगी, तेरे ऊपर तो है स्ट्रांग ऊपर वाले का, वो फिर दे देगा, फिर तू कमा लेगी। इसमें क्या है, हाथ का मैल है, आज गया है कल फिर आएगा। नहीं दीदी, उसने मेरा सारा पैसा ले लिया, गाड़िया जेवर सब कुछ ले लिया, आज मेरी समझ आपके सामने। तू फिर बनाएगी, ऊपर वाला फिर देगा, फिर देगा, वो फिर देगा। टेंशन किस बात की है जाने मन, फिर आएगा। कितनी जाने ले ली मेरी, मेरी माँ, मेरी माँ की जान ले ली, सब कुछ कर दिया। तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी, माँ मेरी देख दी है, मेरी माँ की आत्मा। कोई बात नहीं, लोगों को जो बोलना है बोलने दे, तू स्ट्रांग रहे, ऊपर वाला तेरे साथ है राखी, बस। हाँ, क्योंकि तुझे अभी और काम करना है, तुझे अपने आप को प्रूव करना है राखी कि तू राखी ही है। ये गिरने का नहीं उठने का वक्त है, और उसको सजा जरूर मिलेगी जो गलत कर रहा है ना। हाँ आ जा, कम आजा आजा, गरम गरम रोटी बना के खाएंगे। नहीं अभी आई कॉफी पिया, थोड़ा जिम कर लो। चल ठीक है, कर ले, रो मत, बाय। आई लव यू दीदी, आपके चरण स्पर्श दीदी। ऐसा मत बोल, आपका छोटा सहारा मिल गया, आपके साथ सोती हूँ मैं, अच्छा लगता है। चल ऐसा मत बोल ना, मेरा दिल छोटा हो जाएगा। आजा, आप आया तो लगता कोई है मेरा, मैं हूँ तेरी जो भी हो। राजा भैया आप सब लोग आए तो लगा आनी से उसने मुझे अनाथ कर दिया। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, ठीक है, आजा। आई लव यू, डोंट क्राई। बाय दीदी।